सोच रहे हैं रघुआ से कह के आज एक ढोल मंगवा ले थे। हमरी आवाज तो कुछ सुनाई नहीं दे, ढोल तो सुनाई देगा है? जलेबियां जल जाती। अच्छा है कि हम है रघुआ की गृहस्थी संभालने के लाने, वरना यहाँ आंगन में भैंसे बंधी होती और सब चारा डाल रहे होते। इतनी देर लगा दी इतने सब पकवान बनाने में, ये हाथों में मेहंदी लगी है का? इतने समय में तो हम ब्याह की दो पंक्तें निपटा ले, अब थालियों के साथ काहे खेल रही है? पूजा की थाली तैयार की कि नहीं? बस वो दो ही पकवान और रह गए। ले भगवान कसम कछु सीख के नहीं आई तू है। वो छोटी रानी कहाँ है? छोटी रानी, अरे कौन का राजपाट संभालने रह गई? जल्दी ले आ कपड़े हैं। आई दादी। सत्यानाश, गिरा दिया सब। अरे उठा, जल्दी गंदा हो जाएगा, फिर से धोना पड़ेगा। पता भी है सरफ सोडा कितना महंगा है? तुझे कैसे पता होगा? तेरी अम्मा को पता है दाल आटे का भाव? अब ये घर में तो दो ही कमाओ पूत है, एक तो हमारा रघुआ और दूसरी प्रीतिया, बाकी सब उड़ाने में पड़े हैं। कुसिया, अब दादी कोई तो होना चाहिए ना उड़ाने वाला। मिमी, बहुत सही कहा तूने है। ले जला दे सब। अरे जला के राख कर दे, तू काहे पीछे रहेगी? तू भी कर ले अपने अरमान पूरे, ले जला दे थे। निम्मी, काहे जबान चला रही दादी के सामने इतना? माँ, चलो अंदर, भजिया बनवाने में हमारी मदद कर दे। वैसे भी मिर्ची के भजिया तलने को बोले थे ना तुमने, चला जा। हाँ हाँ, जा भजिया बना उसके लिए, मन पसंद का सब कुछ बना। गंगा जी में आजकल पानी की जगह तेल जो बहने लगा है। रहने दो मम्मी, अगर भजिया बना दिए ना तो गंगा जी का सारा तेल सूख जाएगा। जबान बंद ही नहीं होती तेरी। वार जवान कल चला ना ऐसे, जब रिजल्ट आएगा। खुशिया, हर महीने तुझे बताना पड़ेगा, रघुआ के आने से पहले हिसाब की कापी ले आ। हाँ। सब करें? हाँ। चार बार समझाया ना, दादी के सामने चुप रहा करो। अरे अगर वो छिड़छिड़ा जाती है तो तुम मुंह बंद रखो ना अपना। निम्मी माँ, अब आप दादी की तरफदारी करोगी है ना? अरे तो कल लड़ने लगे उनसे? अरे हमारी बुराई बाद में करना, हम मरे नहीं जा रहे हैं। हिसाब की कापी ले आ, थोड़ा गणित हम भी समझ ले। सुन रही है का? हाँ 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 अम्मा जी। सरला के लिए हलवा बना दिया? हाँ दादी, जैसे ही गंगा जी में बाढ़ आई वैसे ही निकाल लिए थे घी पीपे में और बना लिया हलवा बुआ जी के लिए। हलवा बना दिया का? बना लिया है। आई अम्मा जी। तय करने लग बेटा। हाँ तो बता कुसिया, पिछले 30 दिन में का कबाड़ा किया तूने हमारे रघुआ की गृहस्थी का? आपने अम्मा जी 15,000 रुपए दिए थे तो। कुसिया, सब कुछ भूल जाए, आंकड़ा नहीं भूलते हैं? आगे बोल। तो हम कह रहे थे कि अब 15,000 रुपए बहुत कम पड़ते हैं घर चलाने में अम्मा जी, आप तो जानती हैं महंगाई का क्या हाल है। अगर बस घर चलाने में 5,000 रुपए बस बढ़ा देती तो
ठीक रहता। हाँ दादी, हमें भी पॉकेट पैसा बहुत कम पड़ता है, खर्चा तो उतना ही है, पर सब बहुत महंगा हो गया है दादी। किट्टू रानी, जानत भी है कि हमार बिटवा कहाँ से कैसे कितना खून पसीना बहा के पैसा घर लाते हैं? गांधी छाप सबको दिखे है, उसके पीछे का संघर्ष ना ही दिखे। हाँ तो माँ जी, अखबार आता है 120 का, गैस 550, बिजली 2000, किराना 6500, रिक्शा भाड़ा लेनी देनी सब मिला के 500, मोबाइल चार्ज 200 और सबका पॉकेट पैसा इन बच्चों का 3000, तो कुल मिला के होता है। ए बेटो रानी, थोड़ा कष्ट कटाओगी का? अपना फोनवा में से गणित मास्टर निकाल और नंबर ना अपना शुरू कर। बोल मम्मी। 120, 120, 1000, 1000, 550, 550, 2000, 6500, 200, 200, 3000, सबका मिला के टोटल हुआ 13870। लो, और आप सबको लगा कि अम्मा जी बुद्धू है, हैं? पाठशाला ना ही गए तो क्या हुआ, अंगूठा सही जगह पे ही लगा थे, हैं? अब बिट्टो रानी काम कर, 15000 में से बात कर 13870। 1130 बचा। ला 1130 कुसिया। 1130 ऊपर से तेरे पे निकलता है मुझे देना, और ले तो और पैसे मांग रही है। नहीं नहीं कौनो गड़बड़ हो गई है अम्मा जी। याद आया अम्मा जी, इस मैंने 5000 का किराना दूसरा आया था। 5000 का राशन फिर से मंगाया? हाँ। बारात आई थी का? नहीं नहीं अम्मा जी, वो राशन के साथ साथ नमकीन मूंगफली और चाय पत्ती। कितनी बार सिखाया, अब मूंगफली वाला नमकीन मंगा लेती, उसके बाद मूंगफली निकाल लेती उसमें से, एक ही चीज में दोनों बात हो जाती। और नाई, तुझे तो लगता है कि अम्मा जी के पास पैसों का पेड़ है, छेद है तुम्हारे हाथ में, छेद है। अब दादी, हमारी माँ के हाथ में छेद नहीं होगा तो क्या होगा? पिछले महीने 2 दिन अमित भैया को, 2 दिन परी दीदी को और 2 दिन बुआ जी को हलवा खाना था, वो भी तीनों को शुद्ध घी का हलवा पसंद है। दादी, 2 किलो घी उनके लिए लाया गया था, नमकीन भी उन्हें खानी थी और मूंगफली की बर्फी भी। अरे बिट्टो रानी, तो और बुआ और उसके बच्चों के पेट के दाने गिनेगी का? अरे घर की कन्या को देके बढ़ता है घटता नहीं। और अम्मा तो नसीब वाली है कि हमार बिटिया से ब्याह किया, हमार बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। क्या रे कुसिया, हमार बिटिया को खिला के तो और खर्चा बढ़ जाता है का? तुम जिंदा है और ये हाल है, कल को हम मर गए तो का